दोस्तों नमस्कार, आपका हार्दिक स्वागत करते हैं चैनल स्टडी विद आरसम। दोस्तों एक अर्जेंट न्यूज़, जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जो आपको देनी जरूरी, तो मैं तुरंत वीडियो बना के आपको डाल रहा हूँ और इसमें मैंने एक लिंक भी डाल दिया दोस्तों को, लेकिन लिंक में प्रॉब्लम ये आ रही है कि दोस्त जो है वो समझ नहीं पा रहे कि रिजल्ट डिक्लेयर हुआ नहीं। तो मसूदा ब्लॉक के अजमेर जो कि सबसे पहले ए पे आता है, यानी कि राजस्थान का सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट है जिसने डिक्लेयर किया रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स आपको बताऊंगा कि इंडिया results.com ने इसको जारी किया है। इस रिजल्ट्स को आप देखेंगे कैसे, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट शुरू करूँगा कि सभी जो डाइट्स हैं उन डाइट्स के रिजल्ट्स जो होंगे आपको कैसे मिलेंगे वो मैं पूरा आपको समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। लास्ट तक हमारे साथ बने रहिए ताकि आप पूरा जान सकें। और लंबे इंतजार के बाद जो रिजल्ट 3 मई को डिक्लेयर होने वाला था, फिर 5 को डिक्लेयर होने वाला था, फिर 6-7 को डिक्लेयर होने वाला था, आखिरकार मसूदा ब्लॉक ने ये रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया है। और इस रिज़ल्ट को आप कैसे देखें, इसके लिए आपको ये जो ऊपर लिंक दिखाई दे रहा है दोस्तों, rajasthan.indiarizult.com, इस पे जाना है। इस पे जाने के बाद में ये सभी डाइट्स आगे ओब्लिक डाइट लगाएं, इस प्रकार से लिखें, तो ये डायरेक्ट आपको सभी डाइट्स का ले जाएगा। यहाँ आने के बाद में राजस्थान की डाइट्स जो हैं, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, इस पे आपको ये आपका जो डाइट का फुल फॉर्म है, राजस्थान के सभी डाइट्स के लिए लिंक दिया है। ये पब्लिक डोमेन है जिस पे आप देख सकते हो। और अगर आप स्कूल वाइज रिजल्ट देखना चाहोगे तो साला दर्पण पोर्टल पे आपको रिजल्ट्स मिल जाएगा, या education.rajasthan.gov.in पे भी रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो साला दर्पण पे पोर्टल पे बहुत जल्दी इसका लिंक आपको मिल जाएगा, अपलोड हो जाएगा। अभी डाइट ने जो रिजल्ट दिया है वो indiarizults.com पे दिया है। चलिए इसको देखेंगे कैसे, आपको मैं बताऊँ इसमें कि जैसे इस पे आओगे तो नीचे आप आते हो तो लेटेस्ट रिजल्ट तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, शायद ये जो कॉलम नीचे दिखाई दे रहा है इस पे आपको यहाँ पर सारे रिजल्ट्स दिखाई देंगे जो जो डाइट्स करेगी। अजमेर के जो रिजल्ट्स है वो मसूदा है, तो मसूदा का रिजल्ट आप यहाँ पर अच्छी तरह से देख सकते हो। इसी प्रकार से जो भी डाइट्स इस रिजल्ट जारी करेगी वो रिजल्ट्स आपको यहाँ दिखाई देगा। और ये ऊपर जो एक कॉलम और दिखाई दे रहा है रिजल्ट का, इस रिजल्ट्स के कॉलम पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ सारे के सारे रिजल्ट दिखाई दे जाएंगे। अभी तक जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है वो 5वीं का मसूदा का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। तो जो मसूदा ब्लॉक यानी अजमेर डिस्ट्रिक्ट के जितने भी 5वीं क्लास के बच्चे हैं वो सभी अपना रिजल्ट पब्लिक डोमेन से देख सकते हैं, और अपने स्कूल वाइज जो है स्कूल वाइज टीचर भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं। चलिए कैसे देखेंगे, इसके लिए क्या क्या ऑप्शन है वो जानते हैं। इस पर क्लिक करेंगे आप, जैसे इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ दो ऑप्शन दिखाई देंगे आपको, एक तो देगा जो है आपका एंटर रोल नंबर का और एक देगा आपका नेम का। तो आपको दोनों से सर्च कर सकते हो, मेरे पास रोल नंबर नहीं है तो मैं किसी नेम से आपको एक बार सर्च करके दिखा देता हूँ। तो मैंने जैसे यहाँ पर एंटर किया, अनिल नेम से मैंने एंटर कर लिया। अनिल से नेम से एंटर करने के बाद में मैं गो हो गया। गो होने के बाद जितने भी अनिल हैं इस ब्लॉग के अंदर सारे के सारे अनिल इस पर आ जाएंगे। तो ये आपके सारे अनिल यहाँ आ गए, इनके रोल नंबर आप देख सकते हो सामने। इसमें ऑप्शन जो आ रहा है रोल नंबर आ रहा है, और ये लगभग 7 पेज के अंदर है, यानी मसूदा ब्लॉक के अंदर जितने भी अनिल नाम के जो हैं वो 7 पेज के अंदर आ रहे हैं इनकी नेम्स। तो इसमें आपको मैं एक दो के नेम दिखा देता हूँ कि क्या क्या रिजल्ट्स रहे हैं। जैसे ही आपको आगे एक्शन जो दिखाई दे रहा है इसके अंदर, गेट पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही गेट पे क्लिक करोगे बच्चे का रिजल्ट आ गया है। ब्लॉक का नाम जवाजा है, अनिल है, नेमीचंद है, स्कूल का नाम बढ़िया गैना है इसके। जो तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कि हिंदी के अंदर इसकी बी ग्रेड हैं, तो आपको बता दूं कि ग्रेड का मापदंड आपको वैसे तो पता है, लेकिन 91 से ऊपर जो होगा वो ए प्लस के अंदर आएगा, और 76 से 90 के बीच में जो है वो आएगा ए ग्रेड के अंदर, ये ए प्लस ग्रेड के अंदर आएगा और ये ए ग्रेड में आएगा। इसी प्रकार से इससे नीचे जैसे 76 से नीचे किसी के नंबर हैं, 50 से लेके और 76 के बीच में जो नंबर है उसका बी ग्रेड आएगा। इस प्रकार से इसको ग्रेड में बांटा गया है। तो ग्रेड के हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हो कि आपका नंबर क्या रहा है। जिस प्रकार से इसमें ए ग्रेड बी ग्रेड जो है हिंदी में, बाकी सब में ए ग्रेड है, तो इसका मतलब ए ग्रेड का मतलब 76 से इसके सारे में सब्जेक्ट में अबो है। इसके बाद में संस्कृत का दिखा नहीं रहा, अन्य दिखा रहा है, यानी कि संस्कृत सब्जेक्ट इसके लिए लागू नहीं है, नॉट एप्लीकेबल है। एवरेज ग्रेड ए आ गई है। इसी प्रकार से कला शिक्षा, कार्य अनुभव और स्वास्थ्य शिक्षा जो है इसके लिए भी आपके ए ग्रेड आ चुके हैं। इस बच्चे का प्रिंट ले सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। इसी प्रकार से आप अन्य बच्चों का भी देख सकते हो, आसानी से किसी प्रकार की आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप सभी डाइट्स के रिजल्ट सबसे पहले indiarizult.com पे देख सकते हो, बड़ी आसानी से किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।